भैया जो आंदोलन, देखिए जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको करने, मेरा ओपिनियन बिल्कुल जो महिला आरक्षण लागू हुआ है वो ठीक है, होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं उनको ना महिला आरक्षण से मतलब है ना महिलाओं की स्थिति से मतलब है, उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होता रहे, कुछ ना कुछ करके इसी में अपना रोटी सेकते रहे। भाई जो लोग आज कह रहे हैं कि इसमें महिला में ओबीसी का अलग से होना चाहिए, ठीक है पहले आरक्षण हो आने दीजिए फिर लागू कर दीजिएगा, उनसे जरा पूछिए तो कि आप अपने पार्टी में कितने महिला ओबीसी को आपने टिकट दिया है, जरा पूछिए तो। अगर सिर्फ जाति पर ही पूरे बिहार में वोट पड़ता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता, मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है, जो मुसलमान समाज के लोग हैं ये तो जाति पर नहीं वोट दे रहे, ये लालटेन को क्यों वोट दे रहे हैं। बिहार में वोट चार वजह से पड़ता है, पहला जाति है, दूसरा धर्म है हिंदू मुसलमान है, तीसरा लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं, और चौथा जो मुसलमान समाज है ये लोग भाजपा के डर से लालटेन को वोट देते हैं। इनको ना जाति से मतलब है ना इनको काम से मतलब है, इनको इससे मतलब है कि भाजपा हारनी चाहिए। वैसे ही समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है भैया कुछ हो जाए लालू नहीं जीतना चाहिए, इसलिए जाके आप भाजपा को वोट देते हैं। तो भाजपा का अगर विधायक काम नहीं भी किया है, आपकी बात नहीं भी सुनी है, तो भी आप लालटेन के डर से उसको वोट देते हैं।